गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुभाष चंद्र पंडित है और मैं ITN ITES में वोकेशनल ट्रेनर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, NG+2 हाई स्कूल पथरगामा में। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एनिमेशन टैब के उपयोग करने के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हम पावर पॉइंट के स्लाइड शो को बनाते समय एनिमेशन टैब में किन किन फीचर्स का उपयोग करते हैं और किस तरीके से करते हैं। एनिमेशन टैब को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड के शॉर्टकट Alt+A को दबा करके भी सक्रिय कर सकते हैं या फिर हम इसे माउस के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमेशन टैब को कई ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप में विशेष संबंधित कमांड्स होते हैं, यानी जो भी कमांड्स होंगे वो सभी आपस में संबंधित होंगे। हम इन कमांड को माउस के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन चीज़ों को खुद से करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध जो चीज़ें हैं इनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनिमेशन टैब है और इस एनिमेशन टैब को जब जैसे ही यानी होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है और एनिमेशन है, और जैसे ही हम इस एनिमेशन टैब को ऑन करते हैं हमें इस एनिमेशन टैब में यहाँ पर मिलता है आपका, देखिए सबसे पहले प्रीव्यू, दूसरा होता है कस्टम एनिमेशन जो कि एनिमेशन ग्रुप के साथ है, और साथ में होता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ट्रांजिशन साउंड, ट्रांजिशन स्पीड, अप्लाई टू ऑल, नो साउंड, यहाँ स्पीड दी हुई होती है और कई सारी चीज़ें एडवांस स्लाइड के तौर पे यहाँ पर हम किस तरीके से एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करना चाहते हैं ये दिया हुआ होता है। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर पहले इस स्लाइड को चेक किया, हम इसे एनिमेशन के तौर पर अब हम चाहते हैं कि ये किस तरीके से स्टार्ट हो। अगर हम इसे चूज करेंगे तो इस तरीके से स्टार्ट होगा, यहाँ पर वो ब्लैक से वाइट होगा, यहाँ पर ब्लैक से वाइट होगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट अपीयर होगा, इस जगह पर ब्लैक से वाइट होगा अचानक, इस जगह पर ये फेडिंग के थ्रू होगा। ये हमारा ट्रांजिशन ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इसमें दाहिने से बाएं की ओर होगा, ये बताता है कि हमारा ट्रांजिशन जब स्लाइड ओपन होगा तो बाएं से दाहिने की ओर होगा, ये बताता है नीचे से ऊपर की ओर होगा, इसमें हमारे पास एक क्लॉक की तरह शेप में होगा और ये हमारे पास है आपका ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें और साथ ही साथ यहाँ बात होती है स्पीड की, ट्रांजिशन की स्पीड कितनी है। हम अगर यहाँ पर मीडियम को रख करके देखें तो हम देखेंगे ये वर्क धीरे हो रहा है, अगर हम यहाँ पर इसे और स्लो कर दें तो हम ये देखेंगे कि ये वर्क और भी धीरे हो गया है, ये जो वर्क है इसका, ठीक है। और अगर हम साउंड को ऐड करना चाहते हैं तो हम साउंड को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, परंतु साउंड बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से यूटिलाइजेबल नहीं होता है तो हम इसे नहीं चूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि दूसरे स्लाइड जो हैं जो चलेंगे वो कैसे चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर चलेंगे, कितनी देर के बाद होंगे। अगर हमने दिया 1, इसका मतलब जो दूसरा स्लाइड जब हम यहाँ पर स्लाइड शो को स्टार्ट करेंगे तो दूसरे स्लाइड के लिए ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी जस्ट 1 सेकंड में, ठीक है। हम इस चीज़ को जो है यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कितनी देरी पर ये और होता है, ऑटोमेटिकली यानी ऑन माउस क्लिक पर भी हम इस काम को कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन की जब हम बात करते हैं तो कस्टम एनिमेशन में हम इस काम को कर सकते हैं कि हम स्लाइड के अंदर के वर्क को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसे सेलेक्ट करना होता है, सपोज करिए कि हम इस लाइन को दोबारा वर्क करना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद एड इफेक्ट पे आएंगे, एड इफेक्ट के बाद यहाँ पर हमें कई सारे जो है इफेक्ट्स मिलेंगे कि हम किस तरीके से लेंगे। अगर हम पाथ की बात करें तो ये हमारे पास, डाउन की अगर हम बात करें तो ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एड इफेक्ट में अगर हमें अगर इसे हटाना है तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यानी अभी पे कोई एनिमेशन नहीं है तो हम इसे अगली बार किसी अच्छे तरीके से हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं एड इफेक्ट में, कस्टम एनिमेशन में, और एड इफेक्ट में आने के बाद हम यहाँ पर चले जाएंगे बॉक्स के तौर पर, यानी अब ये इस तरीके से ओपन होगा। हम यहाँ पर इस चीज़ को कर देते हैं वेरी फास्ट के बजाय हम करते हैं स्लो, जब हम स्लो करेंगे तो ये धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके की आपको एनिमेशन चाहिए आप उस तरीके से इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, मोर इफेक्ट में जा करके आप जिस तरीके से फ्लाई इन फ्लाई आउट प्लस करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर पाथ के थ्रू भी आप ले सकते हैं कि हमारे जो कंटेंट हैं वो राइट से लेफ्ट यानी राइट की ओर होकर के चल के आए जा सकते हैं,
तो कुछ इस तरीके से भी चल सकते हैं। आप जैसा भी चाहें, आप अपने एनिमेशन की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, दूसरे को भी हम ठीक इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी हम एड इफेक्ट डालेंगे, और एड इफेक्ट के तौर पे हम डालेंगे इम्फेसिस को। यहाँ पर हम देंगे चेंज फॉन्ट कलर सा फॉन्ट साइज, तो ये फॉन्ट का साइज जो है धीरे धीरे बढ़ता बड़ा होता चला जाएगा इम्फेसाइज को यूज करने पर। इस तरीके से हम कस्टम एनिमेशन का यूज करते हैं, और हटाने के लिए जो एनिमेशन के लिए अगर सपोज करिए आपने हटा दिया हो तो एनिमेशन में जाएंगे, कस्टम एनिमेशन में जाएंगे, उस चीज़ उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका कि आपको एनिमेशन हटाना है, यहाँ आइए। ठीक है, और इसके बाद जो है सो आप इसे जो जो चूज किया हुआ है यहाँ पर आके इसे रिमूव कर देते हैं, तो वो एनिमेशन के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर से क्या होंगी कि वो हटा दी जाएंगी। तो ये जो हमारे पास उपलब्ध था ये कहलाता है हमारा यूज ऑफ एनिमेशन टैब, जिसके थ्रू अगर आप चाहते हैं कि एक खास तरीके के ट्रांजिशन जो है हमेशा सारे पर उपलब्ध हों तो आप उसको क्लिक करिए, इसको ऐसे करिए और करिए अप्लाई टू ऑल। ऐसे केस में जब भी आप स्लाइड शो पे जाएंगे तो हमेशा आपका जो अगला जो स्लाइड आएगा वो हमेशा आपका सेम स्लाइड के तौर पे आएगा। इसके लिए बस आपको अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।